अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद अल फितर के हवाले से आपको बहुत बड़ी तफसीलात बताते चलें। रवियत हिलाल कमेटी ने खबरदार कर दिया, इस साल भी ईद अनोखी होगी। यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस साल साइंसदानों ने ईद अल फितर के बारे में हैरान कौन अपडेट जारी कर दी है। इस साल पाकिस्तान में ईद अल फितर किस डेट को मनाई जाएगी, रोजे 30 होंगे या 29 होंगे, फाइनली उनका भी ऐलान हो चुका है। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने इस मालूमाती वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी करें। बेल नोटिफिकेशन को आप लोगों ने ऑल पे सिलेक्ट सबसे पहले कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको हमारे चैनल पर रियल और ऑथेंटिक खबर मिलती रहेगी। यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पिछले साल 30 रोजे पूरे हो चुके थे और इसी साल 29 रोजे पूरे होने की पेशन गोई कर दी है कि इस साल 34 ममालिक में ईद एक दिन को ही होगी। जी हां नाजरीन, इस साल 2023 की ईद उल फितर 34 ममालिक में एक दिन को ही होगी, ये फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है। नाजरीन यहां पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश काफ़ी दिगर ममालिक एक दिन को ही ईद करेंगे। नाजरीन इस साल साइंसदानों ने बहुत बड़ी ये पेश गोई की है कि इस साल बहुत सारे ममालिक में ईद एक दिन को होगी। तो नाजरीन अगर आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।